आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। डेफ ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट गोरखपुर की बेटी आदित्य के अद्वितीय प्रदर्शन पर सीएम योगी ने आदित्य का बढ़ाया उत्साह। आदित्य के लिए सीएम योगी ने किया ट्वीट, बोले हमें गर्व है आप पर। गोरखपुर में 2022 में 14 नए गैंग को पुलिस ने किया पंजीकृत। 14 गैंग में 50 से ज्यादा अपराधी हुए हैं पंजीकृत। 15 अपराधियों का खोला गया है हिस्ट्री सीट। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने दी जानकारी। दाऊदपुर स्थित नहर के पास बिना मानचित्र के कमर्शियल बिल्डिंग बनाए जाने का जीडीए ने लिया संज्ञान, किया बिल्डिंग को सील। जिले के सभी कोटेदारों के कोटे पर पीएम वाड़ी स्कीम के तहत लगाया जाएगा वाईफाई सिस्टम। सभी राशन धारकों को मिलेगा लाभ, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। प्रशासनिक व राजपत्रित अधिकारी अब थानों का करेंगे निरीक्षण, जांचेंगे थाने का कार्य प्रणाली, रजिस्टर के रख रखाव की लेंगे पूरी जानकारी, डीएम व एसएसपी ने दी जानकारी। पिपराइज ब्लॉक के जंगल सुभान अली में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने लगाया चौपाल, कहा अधिकतर मामले भूमि विवाद, राशन कार्ड में नाम बढ़ाने से आए संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए निर्देश। जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गौ आश्रय स्थलों को प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व जनप्रतिनिधि दान करे भूसा, बने पुण्य के भागी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की अपील। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने रामगढ़ताल थाने का किया निरीक्षण, जांचा थाने का गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीट रजिस्टर, कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्बन के अधिकारियों के साथ सीएमओ ने की बैठक, शहर के मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद के सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क में कार्यरत कर्मचारी द्वारा फर्स्ट रिस्पोंडेंट के रूप में साइबर हेल्प डेस्क की भूमिका के विषय पर वर्कशॉप का किया गया आयोजन, कहा सभी थाने पर साइबर क्राइम के लिए एक साइबर सेल की टीम उपलब्ध होने से फरियादियों को मुख्यालय आने की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन के सभागार में की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। और स्वास्थ्य संचार शुद्धिकरण हेतु फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन पर मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन, कहा 12 मई से 27 मई तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अपने सामने खिलाएंगे फाइलेरिया रोधी दवा।